खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा वाले नपुंसक और 100 नंबर वाले डाकू। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के विरोध में देने का आह्वान किया गया है। गाजीपुर जिले के जमनिया विधानसभा में जमनिया तहसील पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह आज अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा क्योंकि भाजपा नपुंसक हो गई है। वहीं 100 नंबर जो सपा सरकार में शुरू हुई थी आज वो डाकू हो गई है और दिन दहाड़े लूट रही है। अपने घर नहीं बना सकते हैं, अपने खेत का माटी नहीं निकाल सकते हैं, हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, तो आज ही शुरू होगा जुल्म का हुंकार और तय होगा। और 2 घंटा के अंदर अपनी मीटिंग, सबसे मीटिंग में बोले होंगे लोग, आज सुन के जाना। जब सुनोगे तभी छत्ती चलाओं को गर्म करोगे। भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपाई ये नपुंसक होते हैं, नपुंसक कभी भारतीय जनता पार्टी वाला जमीन इनका, घर इनका, मकान इनका, और कार्य ऊपर से आदेश आया है कि घर नहीं बनेगा। हमने कहा कान और ऐसो से कहा घर को बनेगा और हिम्मत हो तो समय तो मैं आ रहा हूँ घर बनने के लिए। बच्चा रोज मिलेगा लेकिन ये हुजूम रोज नहीं मिलेगी। तो सुनो, ये जुल्म हो रहा अपने देश में, हम लावारिस हो गए, अपने ही मुल्क में हम अनाथ बेबस और लाचार हो गए। थाना का राज चल रहा है, भाजपाइयों का राज चल रहा है, यहाँ का सरकार में बैठने वाले MP MLA वसूली हो रही है और झूठ बोला जा रहा है। अलाइनमेंट नहीं देना, कोई टेंडर नहीं हुआ, और झूठे 1500 करोड़ इस 4.5 साल बाद समझ में आएगा जब चुनाव है वो 19 में और मोदी जी अब दियावत आबाई। इतना बड़ा परिवार कहीं दुनिया में आप देखे हो? झगड़ा में 19 में बहुत आ 22 में सर तय हुई, 19 में बहुत बहुत धन्यवाद मानो।